कोरोना महामारी से दुनिया भर में भारी तबाही जारी है। इस तबाही को रोकने के लिए दुनिया के कई देशों में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। टीकाकरण अभियान के बीच लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर शंका भी है। लोगों की चिंता के मद्देनजर कई राष्ट्र प्रमुख खुद सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं, जिससे वैक्सीन के प्रति आशंकाओं को खत्म किया जा सके। इसी सोच के तहत सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज दी गई। सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय ने तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का वैक्सीन लगाने वाला वीडियो भी जारी किया है। सऊदी अरब को हाल ही में फाइजर वैक्सीन की पहली खेप मिली है और क्राउन प्रिंस को पहली डोज देकर वैक्सीनेशन की औपचारिक शुरुआत की गई है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई है। पिछले हफ्ते इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लाइव टीवी पर वैक्सीन लगवाया था। इससे पहले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं। सऊदी अरब में कोरोना महामारी से अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 3,52,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं।